हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की। पाइथन प्रोग्रामिंग में खास क्या है, देखिए यहां पर एक मॉड्यूल होता है टर्टल, जिसको मैंने इंपोर्ट कराया है और एक खास किस्म का प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको रन करवाने जा रहा हूं और रन करवाने के बाद देखेंगे तो ये जादू हो जाएगा। तो ये रन करवाया इस प्रोग्राम को, और ये देखिए रन करवाते ही किस तरह का ये आउटपुट शो कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक स्टार टाइप की चीज को बना रहा है, और ये प्रोग्राम कैसे बना, इसको कैसे बनाना है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आप भी बना पाएंगे अपने पाइथन की आईडी पर। तो चलिए आइए बात करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये खूबसूरत प्रोग्राम, ये किस तरीके से बनेगा, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए इसको जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देता हूं, और ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है इसे मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इसमें आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा जिसका नाम है टर्टल, ठीक है। तो आपको सिंपली यहां पे लिखना है इंपोर्ट, ये मैंने ओपन किया है पाइचार्म, और यहां पर लिखिएगा इंपोर्ट टर्टल, कुछ इस तरीके से ये लिखिएगा, और इसके बाद एंटर करके नीचे आ जाइएगा। एक वेरिएबल ए नाम से बनाइएगा और फिर यहां पर टर्टल दे देना है आपको कुछ इस तरीके से, और यहां पर डॉट टर्टल में टी कैपिटल रहेगा, यह बात आपको ध्यान देनी है। और यहां पर इस मॉड्यूल को कराना है इंपोर्ट, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर ये एंटर करके नीचे आएंगे, यहीं पे नहीं लिख देंगे, देखिएगा ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद क्या करना है आगे, आइए आपको बताता हूं। यहां पर ए डॉट, ठीक है, ए डॉट क्या करना है, गेट स्क्रीन, गेट स्क्रीन, गेट स्क्रीन यहां पे दे देना है आपको, ठीक है। ये दे दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहां पे लगाइए डॉट, और बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बीजी कलर, तो वो हम दे देंगे ब्लैक, ठीक है। आपने देखा जब आउटपुट आ रहा था तो बैकग्राउंड का कलर कैसा था, ब्लैक था, तो यहां पर भी आपको दे देना है ब्लैक। ब्लैक देने के बाद यहां से एंटर करके नीचे आइएगा, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर लिखिएगा ए डॉट पेन अप, ठीक है, ए डॉट पेन अप, तो ये दे दिया ए डॉट पेन अप, और ए डॉट पेन अप देने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहां पर देना है आपको ए डॉट, इस तरीके से आपको दे देना है। यहां पर लिखिएगा गो टू, ओके, गो टू लिखने के बाद क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस 200 दीजिएगा, क्या दीजिएगा, माइनस 200, कॉमा लगाइएगा, यहां पर आपको देना है 100, कुछ इस तरीके से दे दीजिएगा 100, और 100 देने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहां पर क्या करना है आपको ए डॉट पेन डाउन, अब नीचे आएगा, ठीक है, वो जो स्टार बन रहा था वो अब नीचे आएगा, और इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ए डॉट पेन डाउन, पेन डाउन लिखना है आपको, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा पेन डाउन, पेन डाउन लिखने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा, कलर कैसा होगा, वो जो स्टार बनेगा उसका कलर कैसा होगा, ए डॉट, ठीक है, ए डॉट कलर, कलर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश रहेगी सी ओ एल ओ आर, ठीक है, ए डॉट कलर लिखिएगा, और कलर कैसा दे देंगे, इस बार हम दे देते हैं ग्रीन कलर, ग्रीन, तो ये कलर हमने कर दिया इस बार ग्रीन, पिछले बार येलो था, ठीक है, इस बार कर दिया ग्रीन। ग्रीन करने के बाद एंटर करके नीचे आइए, स्पीड को कंट्रोल किया जाए, तो यहां लिखिए ए डॉट स्पीड 25, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। स्पीड हमने 25 रख दी है, और 25 रखने के बाद अब यहां पर बनाना है फंक्शन। तो जैसा कि जानते हैं कि फंक्शन बनाने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ लिख के लिखिएगा स्टार, और स्टार लिखने के बाद यहां पर देना है आपको टर्टल, क्या देना है, टर्टल देना है, और कॉमा लगाइएगा, यहां पे साइज मेंशन करना है, साइज लिख दीजिएगा, ठीक है, दे दिया साइज। अब यहां पर एंटर करके नीचे आइए, जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर लिखिएगा इफ, इफ की कंडीशन आएगी, अगर साइज एस आई जेड ई साइज, ठीक है, साइज यहां पर कट गया इस तरीके से, और यहां पर दे देंगे 10, ओके, यहां पर लगा देंगे कोलन, कोलन लगाने के बाद यहां पर रिटर्न करवा दीजिएगा, तो ये रिटर्न करवाया, रिटर्न करवाने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहां पर दे दीजिए एल्स की कंडीशन, यानी इफ एक्सिक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो एल्स एक्सिक्यूट तो होगा ही होगा। तो यहां पे दीजिए टर्टल डॉट बिगिन, ओके, और इसके बाद आपको क्या देना है, यहां पे अंडरस्कोर लगा के देना है फिल, और फिल देने के बाद यहां पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से आपको ये कर देना है। ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो एल्स आएगा एंटर कर दीजिएगा एक बार जरूर। इतना करने के बाद क्या करना है, फॉर लूप लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं और लगा लेते हैं एक छोटा सा फॉर लूप, यहाँ लिखेंगे फॉर, और यहाँ पर मैं आई ही दे देता हूँ, आई इन, आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, आई इन रेंज कर देता हूँ, रेंज
जानते हैं रेंज कैसे काम करता है, रेंज के बारे में अगर पता है तो और भी मजा आएगा इस प्रोग्राम को बनाने में। यहाँ पे 5 कर देता हूँ रेंज, और 5 करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं कोलन। कोलन लगा दिया, कोलन लगाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा टर्टल, क्या देंगे टर्टल देंगे, कुछ इस तरीके से टर्टल दे देना है आपको भी। और यहाँ पे दीजिएगा डॉट फॉरवर्ड, आगे आएगा, ठीक है, डॉट फॉरवर्ड का मतलब आगे आएगा ये। और यहाँ पर कर देते हैं साइज, तो यहाँ पे साइज लिख दिया है, और अब एंटर करना है आपको, और यहाँ पर देना है स्टार, STAR, स्टार दे दिया। यहाँ पर कर दीजिए टर्टल, TURTLE, टर्टल, ओके, कॉमा लगाइए, साइज अपॉन 3 कर दीजिए, साइज अपॉन 3, इस तरीके से साइज अपॉन 3 कर देना है। और जैसे ही साइज अपॉन 3 करेंगे तो एंटर करके नीचे आइएगा, यहाँ पर फिर हम लिखते हैं टर्टल। अब टर्टल किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, डॉट लेफ्ट, और वही 216 आपको दे देना है यहाँ पे ब्रैकेट में, ओके। तो 216 कर दिया मैंने, और 216 करने के बाद क्या करना है, जैसे ही 216 करेंगे एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे फिर यहां लिखेंगे टर्टल एंड, क्या लिखेंगे टर्टल एंड, तो ये लिखा टर्टल डॉट एंड, सॉरी डॉट एंड होगा, और यहां पर अंडरस्कोर लगा दीजिए, अंडरस्कोर, ओके, ठीक है। तो यहां पे अंडरस्कोर लगा दिया, फिल कर दिया हमने यहां पर, और अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके नीचे आइए, और सिंपली यहां पर आपको क्या देना है, लिखना है स्टार, इस तरीके से स्टार लिखिएगा, ए कॉमा 360 कर दीजिएगा। और ये करने के बाद क्या करना है, जैसे ये करेंगे तो एंटर करके नीचे आइएगा, टर्टल को भी कर देना है एंड, यानी टर्टल को कर देना है डन, ठीक है, एंड नहीं करना बल्कि डन कर देना है, टर्टल डॉट डन। तो बस ये हो गया है आपका टर्टल डॉट डन। एक बार फिर इस प्रोग्राम को चलिए रन करा लेते हैं, तो यहां से ये रन करा लिया, आप देखिए ये ग्रीन कलर में कुछ इस तरीके से स्टार प्रिंट कर रहा है, आप देख सकते हैं काफी कमाल का प्रोग्राम है ये, और ये कोड लिखते ही आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा, और आपको भी काफी मजा आएगा ये प्रोग्राम बना करके, क्योंकि पाइथन में इस तरह के प्रोग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा, और आप पाइथन पर काम भी करना चाहेंगे, मजा भी काफी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए इसमें थोड़ा और चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे ये कलर हम कर देते हैं रेड, RED, रेड कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करके चला देते हैं एक बार फिर से, तो ये चला दिया। अब देखिए अब ये रेड कलर में आने लगा, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से ये रेड कलर में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। इसके विथ में चेंज कर सकते हैं आप, जैसे यहां पर आपने देखा यहां पर मैंने दिया -200 और 100, तो यहां पर इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। यहां पर अगर मैं 75 कर दूं तो क्या ये नहीं चलेगा, तो भी चलेगा। देखिए यहां से इसको मैं चलाता हूं, अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये बहुत ज्यादा वाइड नहीं जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, इसमें भी चेंजिंग करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।